प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अ सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी हमारे भव्य राम मंदिर के बारे में और खासकर ओवैसी जैसे मजहब के ठेकेदारों की क्लास लेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। दिन है 22 जनवरी। 500 साल की तपस्या, 500 साल की तपस्या और बे इंतहा अनकाउंटेबल बलिदान के बाद और 2 डेकेड कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, हम भूलेंगे नहीं कि उसी जगह पर कभी हैया अलल फला हैया अलल सला होता था। क्यों आप बोल रहे हैं ये बात, आपने तो 2 डेकेड लड़ा ना और आपने आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप नहीं खुद को एक्सप्लेन कर पाए, आप केस नहीं जीत पाए, ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये आपका प्रॉब्लम है भाई। अभी मुजफ्फर भाई आप बोलिएगा नाज़िया नहीं तुम मुसलमान नहीं, आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दीजिएगा, मैं कोर्ट को बताऊंगी ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना पूरा निकाल करके दे दूंगी, अब उसके बाद मैं जीत जाऊंगी। और फिर भी आप कहिएगा कि नहीं तू तो मुसलमान नहीं है भाई, तू जितना भी केस तो ये तो बेवकूफी नजर आ रही है ना, ये तो मतलब आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं तब आप मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं। और 2 डेकेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तकरीबन मतलब 200 से ऊपर सप्लीमेंट्री पिटिशन दिए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को उन्होंने बार बार रीचेक करवाया, उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी जो फिरंगी औरत है उन्होंने 14-14 बड़े वकील दिए थे कि भाई राम मंदिर ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो राम मंदिर के पक्ष में जो वकील थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का जो प्रथम मुख थे, जिन्होंने सर्वे किया था, जिन्होंने रिपोर्ट बनाया था, वो खुद मुसलमान थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये भाई मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बनाई गई है, वो खुद मुसलमान जो ऑफिसर थे ASI के, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे भाई मेरे काम के प्रति मैं बहुत डिवोटी हूँ और मेरा नॉलेज ये कह रहा है और सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन ओवैसी जो है वो चिंगारी मारे जा रहा है। देखिए यहाँ पर भारत में उनको ये हक दिया गया कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन कमीशन ने उनके पार्टी को अप्रूव्ड किया, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों के हक की बात करने वाली पार्टी, तो भाई इलेक्शन कमीशन ने ही उनको मुसलमानों के हक की बात करने वाली पार्टी बनाने के लिए उनको स्टैम्प दिया ना, उनको रिकॉग्नाइज किया ना इलेक्शन कमीशन ने कि हाँ भैया तुम बनाओ और मुसलमानों के हक की बात करो। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होकर के वो पार्लियामेंट में बैठता है, अपने भाई को भी हाथ उसने MLA बना दिया है, क्यों नहीं किसी औरत का कुछ भला करते हो। एडुकेशन के हिसाब से वो बैरिस्टर पढ़ा हुआ है, पर आज तक मुजफ्फर भाई आज तक उसने किसी भी स्पीच में कभी भी किसी औरत के या लड़कियों की पढ़ाई के बारे में एक बार भी नहीं बोला। आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि बोल रहा है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को अपने करियर पर अपने एडुकेशन पर फोकस करना चाहिए, लड़कियां पढ़ेंगी, मुस्लिम हमारे कौम की लड़कियां पढ़ेंगी, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगी, कभी नहीं बोला। हर वक्त मस्जिद 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 हैया अलल फला हैया अलल सला वो करते ही रहता है, चिंगारी फोड़ते ही रहता है। और तो और उसका भाई खड़ा होकर के मंच पर माइक पर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का गला रेत के दिखा देंगे, यहाँ भारत की सरजमीन पर तो बोलता है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि एक ओवैसी साहब की एक लाइन है जिस लाइन के पीछे वहां के हिंदू हिंदुस्तान के जो मुसलमान उनको फॉलो करते हैं, एक आपकी लाइन है जो देखें आप भी जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके फलाह के लिए उनके हकूक के लिए उनके राइट्स के लिए आप वहां पर जंग लड़ रही हैं, तो जो वहां के मुसलमान हैं वो ओवैसी साहब के पीछे भी होंगे, आपको भी कुछ लोग होंगे मुसलमान होंगे वहां के जो कहते होंगे हाँ नहीं जो नाज़िया अली खान कर रही हैं हम उनके साथ हैं, कोई इस तरह के मुसलमान भी हैं जो आपको फॉलो करते हैं आपको पसंद करते हैं और आपके साथ खड़े हैं वहां पर, या सारे के सारे ओवैसी साहब के पीछे ही हैं? नहीं नहीं देखिए ओवैसी साहब के पीछे वो भीड़ है जो अनपढ़ है जाहिल है, जिसको जिसको पता है कि जिहाद करना है, जिसको पता है कि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पता है कि हमें
किसी प्रोफाइल पर नहीं पहुंचना है, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और कामयाब नहीं बनाना है, हमें देश के हित में काम नहीं करना है, हमें इस्लाम के लिए काम पैदा किया गया है। तो उस तरीके के जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं, वो उनके सपोर्ट में, और अवेसी साहब किसी औरतों को आगे अपनी पार्टी में भी नहीं आने देते, कभी भी नहीं आने देते, पर मेरे सपोर्ट में जो एडुकेटेड बच्चे हैं मुसलमान वो है, जो एडुकेटेड युवा है वो है, जो बच्चियां आगे चल करके कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। इवन कमेंट में लड़ाई हो जाती है कि दीदी को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, दीदी के खिलाफ हम ये बात नहीं सुनेंगे, बिकॉज मैं बस इतना ही चाहती हूँ मुजफ्फर भाई कि मेरे इस देश में मुसलमान बेटियों को मैं वकील बना हुआ देखूं, जज बना हुआ देखूं, डॉक्टर बना हुआ देखूं, पुलिस ऑफिसर बना हुआ देखूं, आईएएस आईपीएस बना हुआ देखूं, क्योंकि डिग्री जो होती है ना वो एक बार आपने ले लिया तो आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकता है। मोहम्मद समी ने अच्छा खेला था तो कल उसको मिला ना अर्जुना अवार्ड, कल मिल गया ना, कोई रोक पाया? कहां से आप बात उठती है पाकिस्तान में या भारत के मुसलमान जो बोलते हैं झूठ कि मुसलमानों का कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान डरे हुए हैं भारत में, कैसे डरे हुए? मोहम्मद समी ने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई और उनको भारत की राष्ट्रपति के हाथ से उनको अर्जुना अवार्ड मिला और उनकी प्रशंसा की गई। नाजिया इलाही खान भारत के प्रति काम करती है तो नाजिया इलाही खान का रिस्पेक्ट आज सिर्फ नाजिया नहीं जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है कि नाजिया इलाही खान को बहुत इज्जत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरे लिए मेरा देश पहले है। मैं अगर वक्त दे रही हूं तो मैं चाहती हूं कि मेरी कम्युनिटी की बेटियां जो हैं वो अपफ्रंट आए, बहुत शिक्षित हो जाए, आंखों में आंखें मिलाकर कहे कि कोई भी मुसलमान मर्द मुझे सेक्स टॉय नहीं बना सकता है, मुझे तलाक दोगे मैं तुम्हारी चप्पल के साथ साथ तुम्हारे शरीर घिस दूंगी, कोर्ट का चक्कर लगाते ऐसा घिस दूंगी। तो देखिए, औरतें कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है कि आपकी आपकी मर्जी हुई, आप निकाह पढ़ा करके लेकर आ गए और आपकी मर्जी नहीं हुई तो आप दो बच्चे के साथ उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिए। और इतना कंजर्वेटिव थॉट है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का, जो आप भी अग्री करेंगे कि एक बच्चा गोद में ली हुई लड़की को कौन एक्सेप्ट करता है? जिसकी बीवी मर जाती है, जिसकी बीवी अपाहज होती है, वो बुढ़ा आदमी जिसके बच्चे मेरे उम्र के होंगे वो मेरे से निकाह पढ़ने के लिए अपना रिश्ता भेजेगा कि हाँ दूसरी है ना, इसका तो एक बच्चा है ना, तो लो मेरे बाप की उम्र से मैं शादी कर ली। ये तो होता है ना, हमें कोई कंवारा लड़का मेरे जैसा लड़का मेरे औरा जैसा लड़का आकर कहेगा मुसलमान लड़का कि नाजिया मुझे तुमसे निकाह पढ़ना है? वो तो कहेगा इसको देखो, क्लास 10 में इसका बच्चा पढ़ता है, बाप रे बाप ऐसी दिख रही है, होगी 40-45 साल की। तो इनकी जुबान ही ऐसी आती, ये ऐसे ही मलाइन करके डिफेम करके ही मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए मुझे, मैं इस बात को अग्री कर रही हूँ कि जो लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज नाजिया इलाही खान को गाली देने वाला कौन है मुजफ्फर भाई? मुसलमान मर्द ही तो है। आज नाजिया इलाही खान को रेप की धमकियां देने वाला कौन है? मुसलमान है। नाजिया इलाही खान की माँ को हर रोज बलात्कार करने वाला कौन है? ये मुसलमान ही है जिसकी आज तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी मेरी माँ की, उनको भी बलात्कार करवाता रहता है मुंह से, तो वो मुसलमान ही। और मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए, पब्लिक है, वेरीफाइड अकाउंट है, कमेंट बॉक्स में आप पढ़िए मेरी माँ को कितनी गंदी गालियां दी जाती है। तो ये कौन देता है? ये मुसलमान ही तो देते हैं। तो मुसलमान वाकई में बिल्कुल भी उसके ऊपर फेथ नहीं किया जा सकता है, और वही मॉलडीव्स ने किया बेसिकली, उसने किया, जिस थाली में खाना है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक देना, यही तो काम है मुसलमानों का। ये जाप के लिए देखिए मुजफ्फर भाई, हमारे देश में इतना आतंक मचाया है मुसलमानों ने, इतना आतंक मचाया है, उसका 10% भी अगर मुस्लिम बेटियों के एडुकेशन के लिए अगर मचाया होता ना, तो मैं आपको अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं उनके साथ खड़े हो जाती कि हाँ पहली बार इन लोगों ने कोई अच्छा काम किया है। कि हाँ भाई, सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमारी 1000 बेटियों को स्कॉलरशिप दो और वो आईएएस आईपीएस बनेंगी, गरीब बेटियों को आगे आना चाहिए। लो भैया, ये तो हिजाब पहनाने के चक्कर में लगे रह गए, हमारे मोदी जी ने हमें लाडली योजना दे दिया, हमें ईदी योजना दे दिया और कहा कि पसमानदा बेटियां मुसलमान बेटियां पढ़े, पहले पढ़े, शादी होती रहेगी
और लेकिन पहले एडुकेशन ले लो, अगर अगर ग्रेजुएशन भी कर लेती हो, क्योंकि हमारे हमारे मुसलमानों में तलाक बहुत ज्यादा है, चार शादियां बहुत ज्यादा है, तो भाई तलाक तो होना ही होना है, चार शादियां होनी ही होनी है। और पहली बीवी जैसे ही चार शादियां करता है, पहली बीवी कौन से कोने में जाकर के बैठ जाती है दाई और नौकर की तरह, समझ में भी नहीं आता है, तो वो अपनी जिंदगी की मशगूलियत कहाँ ढूंढेगी, कोई नौकरी करेगी तभी ना खोज पाएगी, नहीं तो डिप्रेशन में तो मर जाती है। कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया है, ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं, दूसरी शादी कर लिया मेरे शौहर ने, अब मुझे तो वो देखता ही नहीं, तो वो तो डिप्रेशन होता रहता है और बाद में वो सुसाइड कर लेती है, बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि नया आइटम लेकर के वो आता है तो उसको कुछ दिन तक बहुत अटेंशन देता है। तो मुझे, मैं एकदम अग्री हूँ इस कमेंट से कि बिल्कुल मुसलमानों पे यकीन करना खतरे से खाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और ये बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और हम सबके प्रिय रामलला और राम मंदिर के बारे में, और दूसरी ओर आपने देखा कैसे हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी ने मजहब के ठेकेदारों को फिर खूब धोया, और लास्ट में सबसे अच्छी बात जो नाजिया खान जी की लगती है वो यही है जब वो बात करती हैं कि उनके लिए सबसे पहले देश है और बाद में उनका मजहब। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।